लोगों ने कमेंट किया था कि अगर इस पीसीबी का हम इंस्टॉलिंग करेंगे तो इसकी वायरिंग के बारे में ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, जैसे इस इन्वर्टर में ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसमें हमने जो है इस पीसीबी को इंस्टॉल किया है और इसकी वायरिंग आपको दिखा दें यहाँ पर ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर इतने वायर जुड़ेंगे इसके कनेक्टर पर। अभी हम आगे और बता रहे हैं आपका, ये इंडिकेशन है, यहाँ पर देखें ये इंडिकेट जो है इस समय, यहाँ पर देखें ये है बहुत ही ओल्ड, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो है इसका दूसरी बार जो है इसको ये पीसीबी इंस्टॉल किया, क्योंकि इसके पहले आज 10 साल करीब हुए इसमें एक यूपीएस पीसीबी पड़ा हुआ था, तो ये कुछ फॉल्ट था और बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन था और ये भी साक्षी का ही था जो कि 2010 में हमने जो है इसमें लगाया था। लेकिन इस समय इसके लेटेस्ट वर्जन जो कि SMD लेवल पे हैं, ये इस समय हमने इसको यहाँ पे लगाया है और इसकी वायरिंग ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है। यहाँ से ऐसे आया है और इसमें यहाँ देखेंगे ये हो गया स्विच के लिए, यानी इन्वर्टर ऑन ऑफ का जो स्विच है ये हो गया ये, और ये इंडिकेशन के लिए ये वायर है जो 1 2 3 4 5 6 वायर है ये, जिसमें से एक ये जो है ग्राउंड है। और यहाँ नीचे दिखा दें आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉमन मीन्स ग्राउंड। इसके बाद जितने भी इसके लाइट हैं यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, अब 6 वायर है तो एक हो गया ये ग्राउंड जो कि कॉमन हो गया, बाकी ये जो है LED लाइट के दूसरे पॉइंट पे जुड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लें, इस साइड में यहाँ देखेंगे एक किनारे वाले पॉइंट पे, तो ये चार्जिंग यानी CHG लिखा हुआ है, ये चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे दो वायर जुड़े हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है न्यूट्रल, ये ब्लैक वायर है, बीच में दो छूटे हुए हैं कैपेसिटर के लिए, जो आप इसके फिल्टर के लिए लाइन फिल्टर के कैपेसिटर लगाए जाते हैं, ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है ये, इसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके लिए दो वायर होगा और यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जोड़ के भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे इस टाइप का लगाया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये पीला वाला वायर ये ट्रांसफार्मर का लास्ट जो आउटपुट देता है ये है, और ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, और बीच में ये चार्जिंग वाला पॉइंट पे जुड़ता है जो कि यहाँ पे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, ये है इनपुट जो ग्रे कलर का है, इनपुट मतलब यहाँ जो फ्यूज़ से ये वायर आया है ये इनपुट है। इसके बाद यहाँ पे ये बैटरी का जुड़ेगा पॉजिटिव जो स्टार्टिंग इधर से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इस बैटरी के लाइन से जुड़ा हुआ है जो इस साइड से यहाँ बैटरी के लिए आउट हुआ है। अब चलिए इसको मेंस देते हैं, मेंस इन कर दिए, अभी देखिए मेंस ले लिया ये। अब इसकी जो चार्जिंग है आप देखिए डिजिटल चार्ज है, और यहाँ पर देखेंगे एनालॉग, यानी जो एम्पियर इसकी शो कर रही है ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। अब ये 20-21 एम्पियर यहाँ पे एनालॉग से शो कर रहा है और 12-13 एम्पियर जो है इसे डिजिटल। अभी जैसे जैसे नीचे घटेगा ऐसे ऐसे इसके एम्पियर डाउन होंगे। और ये है बैटरी वोल्टेज, बैटरी हमारा 29.4 तक ये जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद ये यहाँ पे ये चार्जिंग ये ब्लिंक स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिकल मोड में चार्जिंग अप डाउन करके ये बैटरी को बूस्ट करता चला जाएगा और एम्पियर कम होता चला जाएगा, इसी तरीके से ये काम करता है। इसमें ट्रिकल चार्जिंग का जो सबसे मेन फ़ायदा इसमें यह है कि बैटरी कभी आपकी डीप में नहीं जाएगी, ज़रा सा भी पॉइंट भी अगर उसमें ज़रा सा डिस्चार्ज लेवल हुआ तो ये तुरंत उसे बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी ये 1 एम्पियर से लेकर ये जो है यहाँ पे 21 एम्पियर तक का जो है
इसका सेंसिंग रहता है। ज़रा सा भी अगर बैटरी में कोई भी पॉइंट इशू आया या डाउन लेवल नीचे आया या कहीं, तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा अलर्ट रहता है ट्रिकल, और ये तुरंत क्विक स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जब हमारी बैटरी फुल बूस्ट हो जाएगी तो ये 1 एम्पियर के आसपास जो है जाके स्टॉप हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस समय देखें बैटरी ये 30 वोल्ट तक पहुंच गई है, और ये जो एम्पियर की बात कर रहे थे ट्रिकल वाला, यहाँ पर ध्यान से देखें अभी जैसे जैसे बूस्ट होगा ऐसे ऐसे इसका जो डाउन लेवल एम्पियर का नीचे चलता चला जाएगा। इंडिकेटर स्टैंड है, यानी ये बैटरी जो लिखा हुआ है, और ये मेंस है। इसमें ये वाला वायर यहाँ पर जुड़ना था क्योंकि चार्जिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, इसे हम अभी सही करते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके कलर चेंज हो गए, यानी ये चार्जिंग पे जुड़ गया। इस पर कलर के अनुसार ही जो है यहाँ पे सब कुछ लिखे हुए हैं। जैसे ये ग्रीन कलर है तो यहाँ ग्रीन कलर पर देखेंगे, यहाँ ऐसे दिखा दें ये, तो ये ऐसे जूम करके देखेंगे तो लिखा हुआ है चार्जिंग, तो ये ग्रीन कलर है चार्जिंग। फिर पीला लिखा है ओवरलोड। अब यहाँ पर देखें तो पीला कलर जो है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ पे पीला कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पीला यहाँ ये स्लिप जो चढ़ा हुआ है, एक वायर रेड कलर का जुड़ा हुआ है यहाँ, तो ये जाके हमारा यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखेंगे पीला कलर ओवरलोड है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाइए ये ऑरेंज कलर जो लो बैटरी इंडिकेट करता है, जो अभी उल्टा था यहाँ पर, अब ये अपने जगह पे हो गया, ग्रीन हो गया चार्जिंग और ये हो गया लो बैटरी। यहाँ पे पहले ये जल रहा था, अब ये जलना चाहिए। ये भी जैसे फुल होगी बैटरी उसे स्टॉप हो जाएगा।